स्वागत है आज है आपका 4th अगस्त 2024। लास्ट वीक में करेंसी पेयर्स में कैसे कैसे बिहेव किया उसके ऊपर हम एक नजर डालेंगे। सो इम्पोर्टेंट क्या था कि आपका ये डॉलर इंडेक्स काफी वीक हो गया है। क्यों हो गया है? एनएपी डेटा बहुत ही मच लोअर देन एक्सपेक्टेड एंड ऑल्सो एफएमसी रेट डिसीजंस में, ऑल्दो इस रेट डिसीजंस में रेट कट हुआ नहीं है बट देयर आर मीन्स क्लियर कट इंडिकेशंस दैट नियर बाई दे आर गोइंग टू कट। अभी मार्केट में ये चर्चा हो रहा है कि सितंबर में कितना बेसिस पॉइंट्स कट करेंगे, नवंबर में कितना कट करेंगे एंड सो ऑन। सो करेंसीज में उसी का एक इंपैक्ट है। क्या है कि डॉलर इंडेक्स एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है। अभी भी एक्चुअल इवेंट आया नहीं है। क्या है एक्चुअल इवेंट? दैट मीन्स द योर इंटरेस्ट रेट कट। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है आपका 102.50 एंड देन इज योर 101.00। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट लेवल्स। वीकली आरएसआई एट 40.28। अभी इस आरएसआई जो 40 है इसको वीकली जो 40 लेवल्स में है इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज देने से तो वीकली पर्सपेक्टिव में भी डॉलर इंडेक्स नेगेटिव टेरिटरी में एंटर कर जाएंगे। सो उसी का हमारा नेक्स्ट वीक का इंतजार रहेगा। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में लास्ट वीक में ऑल्दो इट्स अ रेड कलर कैंडल बट ये जो आपका प्राइस रिजेक्शन एट द लोअर एंड वहां से प्राइस रिजेक्ट होके ऑलमोस्ट मिड ऑफ द वीक का जो रेंज है वहां पे जाके क्लोज दिया हुआ है। यहाँ पे जो हम एनालाइज करेंगे तो क्या है, नीचे की तरफ जो मेजर सपोर्ट लेवल है 1.2120 जो बहुत नीचे है, ऊपर की तरफ जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है आपका 1.3100 का। सो अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए अगर हम जीबीपी डॉलर डेली को देखेंगे जो क्या देखेंगे, यहाँ पे एक सेंटर बैंड से वीकली पर्सपेक्टिव में सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है एंड प्राइस एक्शन जो डेली का है वो लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड से ऊपर जा रहा है। दैट मीन द केस यहाँ पे देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि डेली पर्सपेक्टिव में जो स्विंग हाई है दैट इज योर 1.3010 से 1.3050 उस टेरिटरी में जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। उसके लिए हमें प्राइस कन्फर्मेशन का जरूरत है। जीबीपी आईएनआर वीकली क्लोज यहाँ पर भी एक नेगेटिव कैंडल का क्लोजिंग दिया हुआ है बट द प्राइस रिजेक्शन एट द लोअर एंड व्हिच मेक्स द प्राइस एक्शन टू टेक सपोर्ट एट द previous CIP level means pehle jo aapka resistance level tha now it is expected to act as a resistance. Last week mein bhi hamara ye expectations tha ki aap expectations bole the hum ye dekhna chahte the ki do back to back weekly negative candle ke baad kya ye CIP mein support leke dobara high ko test karte hain ya nahi aur usi direction mein ye chal rahe hain. Abhi further hame Monday onwards ye dekhna hai ki ye jo swing high hai that means 109.00 ka us taraf ja rahe hain ya nahi. Abhi aate hain hamara euro dollar mein jo weekly dekhenge yahan pe ek kafi bade ट्राइंगल पैटर्न्स क्रिएट किया हुआ है। जब तक ये ट्राइंगल के बाहर नहीं निकलते पॉसिबली ऑन द हायर साइड तब तक हमारा यहाँ पे मोमेंटम मिसिंग रहेगा। और भी मोमेंटम देखने का क्या क्राइटेरिया है, उसकी आरएसआई 56.60 व्हिच इज बिलो 60। जैसे ही 60 के ऊपर क्लोज देगा तो वी मे एक्सपेक्ट सम मेजर मोमेंटम ऑन द अपर साइड। सिमिलरली अगर हम मंथली आरएसआई को भी देखेंगे, मंथली आरएसआई 51.60 ये भी साइडवाइज ही दिखा रहे हैं। जब तक मंथली एंड वीकली आरएसआई अबव 60 क्लोज नहीं देते हैं तब तक ये मेजर मोमेंटम ऑन द अपर साइड हायर साइड वी शुड नॉट एक्सपेक्ट। नेक्स्ट आते हैं यूरो आईएनआर। यहाँ पे इट्स ए बुलिश कैंडल क्योंकि ये नीचे की तरफ से आया था बट प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड एंड क्लोजिंग almost near the high, thereby making the price action a very bullish one. RSI weekly is also 61.10, which is above 60. That being the case, यहाँ पे हमें lower time frame में buying का opportunity ढूंढना है and कब तक इसको long positions run करना है जब तक ये weekly RSI below 60 नहीं आते हैं। That means यहाँ पे हमें एक छोटा सा stop losses हो सकता है, maybe 50 basis points का एक stop losses हो सकते हैं, whereas जो आपका रिवर्स होगा रिवर्स इज एक्सपेक्टेड टू बी मच मोर मींस मे बी 1:3 से 1:5 या इवन बियॉन्ड भी होने का प्रोबेबिलिटीज है। सो यूरो आईएनआर में एक अपवर्ड मींस जर्नी करने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। अभी आते हैं बीओजे। क्या जो एक्शंस हुआ है जिसके कारण ये लास्ट वीक में फर्स्ट टाइम रेट हाइक किया गया है। अभी रेट हाइक के कारण क्या हुआ, पहले हम देखेंगे इसका थोड़ा सा हिस्ट्री क्या था। ये आपका 31-32 ईयर्स का एक हाई था 152 का लेवल का, ये आपको ब्रेकआउट किया अप्रैल 2024 में। उसके बाद ये 161.95 का हाई मार, वहाँ पे बीओजे का प्रेजेंस था जिसके कारण ये ऊपर की तरफ मोमेंटम कर नहीं पाया अबव दैट वन। सो धीरे धीरे इंटरवेंशन हो रहा था, जब जब बीओजे को मौका मिला इंटरवीन करते गए। अभी लास्ट वीक में जो बीओजे का रेट डिसीजन था वहाँ पे फर्स्ट टाइम एक सरप्राइज डिसीजन लिया गया है बिकॉज द मार्केट वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग रेट हाइक बट बीओजे ने डिसीजन ले लिया एंड रेट हाइक किया। रेट हाइक के कारण क्या हुआ, रेट है कि करेंसी का एप्रिसिएशन। पहले जीरो इंटरेस्ट रेट था जिसके कारण वहाँ मीन्स बोरो करते थे येन में एंड इन्वेस्ट करते थे अदर करेंसीज में। सो इन जापान इंटरेस्ट रेट इज जीरो एंड इन अदर कंट्रीज जहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट हायर है जिसके कारण काफ़ी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज था इन्वेस्टर्स के पास। अभी ये जो फर्स्ट टाइम रेट हाइक किया गया है जिसके कारण
means majority of the investors, what they're thinking about, they are just trying to close their borrowing account in Japan. That means overseas say आपका डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है डिफरेंट कंट्रीज में, मे बी इन यूएस, मे बी इन यूरोप एंड अदर कंट्रीज, वहां से डॉलर को ब्रिंग बैक करके ईएन का लोन चुका रहे। इसलिए यहां पे ईएन का काफी शार्प एप्रिसिएशन देखा गया। अभी ये तो हो गया हिस्ट्री, अभी व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट के लिए ये जो मींस जो सेलिंग दिया है बैक टू बैक फोर वीकली, सो यहां पे जब जब हमें राइज मिलेगा वहां पे हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए। येन आईएनआर, येन आईएनआर में भी भयंकर एक अपमूव देखा गया, जो ऑल्दो इस लेवल पे, कौन सा लेवल, जुलाई जून एंड जुलाई में वी आर लुकिंग फॉर 50-50 का टारगेट विद वन कंडीशन कि बीओजे कोई इंटरवेंशन ना कर दे, जिसका डर था वही हुआ, बीओजे का इंटरवेंशन भी था एंड रेट डिसीजंस भी था, जिसके कारण यहां पे शार्प एक राइज हुआ है। ये अभी क्या, अभी के लिए जब जब हमें पुल बैक पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगा यहां पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। अभी डॉलर कैंडी, डॉलर कैंडी में हमारे यहां पे एक रेंज था, क्या रेंज था, नीचे की तरफ 1.36 एंड ऊपर की तरफ 1.3850। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलते हैं डॉलर कैंडी साइडवेज बिहेव करने का हायर पॉसिबिलिटीज था। अभी इस हफ्ते में क्या किया, ये हुआ जो रेंज था हमारा, रेंज के बाहर फर्स्ट टाइम वीकली क्लोज दिया हुआ। अभी व्हाट नेक्स्ट, ये जो ब्रेकआउट है एंड ऑल्सो वीकली आरएसआई अबव 60 मींस इट सेज अ लॉट, क्या बोल रहे हैं, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि डॉलर कैंडी इज एक्सपेक्टेड टू मूव हायर विद एन एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन, ये जो ब्रेकआउट हुआ है on the higher side, it should not be considered as a false breakout. Aap bolenge itna if and but, yes, the market is huge, samundar ocean. So yahan pe kaun kidhar positions leke baithe hue hai, hamara 1 million 5 million ya 10 million mein kuch nahi hai. So yahan pe hame isliye if and but, yani if and but aap buy kar rahe ho karo, lekin exit bhi aapko nazar mein rakhna chahiye, under what conditions main apna positions ko kaat ke nikal jaunga. So that is why, but kya hai if and but, ki ye jo breakout hai it should not be proved as a false breakout on the higher side. अगर फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है एंड आने वाले दिनों में ये आपका वीकली क्लोज जो है ये आपका एक नेगेटिव क्लोज के साथ रेंज के अंदर क्लोज अगर दे देते हैं इन सच केस, इस टाइप का अगर होते हैं देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेकआउट। सो फॉल्स ब्रेकआउट के मतलब क्या है, अगर होते हैं तो अगेन ये 1.36 की तरफ शार्प मूव करेगा, लेकिन अभी वैसा कुछ हो नहीं रहा है। एज ऑफ नाउ वी आर प्लानिंग टू टेक द ट्रेड ऑन द बाई साइड, दैट मींस दैट हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज अपना अपना जो भी ट्रेडिंग सिस्टम्स है उस सिस्टम के हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं एंड पतली गली से कब खिसकना है, व्हेन वी नीड टू एग्जिट द ट्रेड एंड इन केस दिस ब्रेकआउट इज कंसीडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकआउट। नेक्स्ट इज ऑसी डॉलर, ऑसी डॉलर में ये भयंकर, ये जो रेंज है ये रेक्टेंगुलर रेंज, ये रेंज बहुत ही खतरनाक रेंज है, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया, यहाँ तक आया, उस टाइम पे हम ये सोच रहे थे कि यहाँ लोअर लेवल तक आएगा, लेकिन आया नहीं, फिर ऊपर गया, ऊपर जाके फिर नीचे ब्रेकडाउन किया एंड ये टच किया, जस्ट टच किया। अभी व्हाट नेक्स्ट, अभी हमें देखना है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ जाते हैं ऑसी डॉलर या नहीं। सीएनएच, सीएनएच में भी पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। क्या सिनेरियो चेंज हो गया, हम ये जो जून एंड एंड जुलाई फर्स्ट वीक में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीएनएच क्लोजिंग अबव 7.2950 में पुट लॉट ऑफ प्रेशर्स ऑन डॉलर, क्योंकि सीएनएच इसके ऊपर जाएगा तो 7.3433 की तरफ जाने का हायर पॉसिबिलिटीज हो सकता है। उतनी ऑल्दो ऊपर गया था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ द पीबीएसईज इंटरवेंशंस एंड ये रेंज के अंदर में आ चुका है। अभी ये पूरा का पूरा अंडर कंट्रोल है, नाउ वीकली क्लोज एट 7.155। व्हाट नेक्स्ट में, ये जो है व्हाट नेक्स्ट का आपका, ये जो इन ए प्रीवियस सपोर्ट, इस लेवल पे सीएनएच कैसे बिहेव करते हैं, इसको सपोर्ट लेके दोबारा साइडवाइज कंसोलिडेट करते हैं या सपोर्ट को ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ चले आते हैं, ये हमें देखना होगा। नेक्स्ट इज आवर ब्रेंट क्रूड, तो ब्रेंट क्रूड जो वीकली है बैक टू बैक चार नेगेटिव कैंडल, लास्ट वीक में बहुत भयंकर एक सेलिंग देखेंगे। क्यों, क्योंकि यूएस मार्केट धनाधन मींस एग्जैक्टली रिसेशन तो नहीं बोलेंगे बट उस टाइप का एक थिंकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, यानी कोई अगर मेजर कंट्री द डेवलपमेंट अगर रिसेशन में एंटर होते हैं इन सच केस ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो जाएंगे, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर कम हो जाएंगे तो आपका ये जो प्रेशर ऑन मींस बाइंग प्रेशर ऑन क्रूड ऑयल काफी कम हो जाएगा। यहाँ पे देखने वाला चीज, डिस्पाइट द टेंशन बिटवीन इसराइल एंड हिजबुल्ला, इसराइल एंड ईरान, फिर भी क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ भाग नहीं रहा, रेदर सेल ऑफ हो रहा है। मेन रीजन क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज श्रिंक होने वाला है, इसी का एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी आते हैं यूएस टेन ईयर ट्रेजरी, यूएस टेन ईयर ट्रेजरी वीकली क्लोज कहाँ पे दिया, 3.794, ये है हमारा इमीडिएट सपोर्ट लेवल। इसी सपोर्ट लेवल अभी भी रेट कट हुआ नहीं है, एक तो है मार्केट एक्सपेक्टेशन, दूसरा वाला है इकोनॉमिक कंडीशन इन यूएस, जिसके कारण यहाँ पे शार्प सेल ऑफ देखा गया। अगर हम देखेंगे यूएस टू ईयर ट्रेजरी, यूएस टू ईयर ट्रेजरी 3.886 का क्लोजिंग दिया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, दोनों लेवल्स को हम एक साथ में एनालाइज करने का अटेम्प्ट करेंगे, ट्राई करेंगे। क्या ट्राई करेंगे, आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में वीकली एंड राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में वीकली 10 ईयर ट्रेजरी एंड राइट हैंड साइड में 2 ईयर 10 ईयर ट्रेजरी, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है अभी हार्डली 10 बेसिस पॉइंट्स है।
10 बेसिस पॉइंट्स, जो एक वक्त ये मोर देन 108 109 भी चला गया था, इन्वर्शन कर्व्स उल्टा हो गया था। इन्वर्शन कर्व्स आप सभी को पता है, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट हियर। जो 100 110 की तरफ जो डिफरेंस चला गया था, अभी बचा है सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट्स। जैसे जैसे 2 ईयर ट्रेजरी का वैल्यू 10 ईयर ट्रेजरी के नीचे आ जाएगा, सो मार्केट जो रेट का जो मार्केट है वो नॉर्मलसी पे आ जाएगा। ये तो हो गया डिफरेंस के बेसिस। हम यहाँ पे चर्चा करेंगे दोनों के बीच का स्ट्रेंथ। दो हफ्ता पहले हमने एक एनालिसिस किया था ये वाला वीक में, कब है, जो 1 जुलाई के बाद, यानी पॉसिबली 8 जुलाई के, जो हमारा वहाँ पे हमने एक यूएस 10 ईयर ट्रेजरी वर्सेस यूएस 2 ईयर ट्रेजरी का एक एनालिसिस किया था। वहाँ पे हमने क्या किया था, ये जो 2 ईयर वीकली क्लोजिंग इज मच वीकर देन द 10 ईयर वीकली क्लोजिंग, ये काफी कुछ कहता है। दैट वाज आवर मींस इंटेंशन टू डिस्कस इन द फील्ड इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। वहाँ पे हमने कहा, क्या कहा था कि फर्स्ट टाइम 2 ईयर ट्रेजरी काफी वीक हो चुका है विसवी द 10 ईयर ट्रेजरी। इसका मतलब क्या है, ये बहुत कुछ कहता है, मींस द डिफरेंस जो है काफी शार्पली नीचे आने वाला है। अभी ये तो हो गया पुरानी बातें, शोरों कल की बात है, अभी आगे क्या, आगे क्या, सेम एनालिसिस, 10 ईयर ट्रेजरी वीकली क्लोजिंग एट प्रीवियस सपोर्ट लेवल एंड 2 ईयर ट्रेजरी, ये जो स्विंग लो है, जो यहां पे स्विंग लो था, इस 10 ईयर का स्विंग लो था वहां पे मार्केट क्लोज दिया है, 2 ईयर का जो स्विंग लो था उसके काफी नीचे 2 ईयर ट्रेजरी क्लोज दिया हुआ है। What it indicates, again, once again, 2-year treasury is much weaker than 10-year treasury. So, इसी में बड़ा खेल है। अभी rate cut, everybody is in the same page कि rate cut होगा। लेकिन ये जो rate cut का दो scenarios means reason behind the rate cut। ये मैं अपने WhatsApp group में भी एक write-up दिया था, जहाँ पे मैंने ये behind the scene story analyze करने का प्रयास किया। ये जो rate cut हो रहा है, क्या खुशी से हो रहा है या दुख के साथ हो रहा है? खुशी के साथ मतलब रेट हाई क्यों होता है, इंटरेस्ट रेट हाई क्यों होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन काफी बढ़ जाता है। अगर इन्फ्लेशन अगर घटने का चालू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को कट करते हैं। दिस इज द जनरल थिंग। खुशी का बात तब होता है जब आपका इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, एवरीथिंग इज सीम्स टू बी गुड एंड सेंट्रल बैंक इज डिसाइडिंग टू कट द रेट। ये हो गया एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, इन्फ्लेशन इतना कंट्रोल में नहीं आ रहा है बट इकोनॉमिक कंडीशंस आर फ्रेजाइल, मींस कभी भी कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना आने वाले दिनों में हो सकता है, जिसके कारण forcefully the central bank has to take a decision to cut the rates. So dono situation, ek khushi ka situation, ek dukh ke sath situation, yahan pe aapko kya lagta hai, ye khushi ke sath rate cut ho raha hai ya dukh ke sath rate cut ho raha hai? Ye hame behind the scene ko kya hai isko hame dekhna hai. Ye behind the scene hi hame batayega, kyunki rate cut generally is associated with stock market ka ek boom. Kya yahan pe ye boom hoga ya nahi, ye hame dekhna hai, kyunki wahi reason, kya khushi ke sath, agar khushi ke sath rate cut hota hai to economy equity market mein ek zoom karega, boom dikha jayega. Lekin agar dukh ke sath hota hai, इकोनॉमिक डाउन टर्न इन द मींस अगर हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो रहा है, काफी फ्रेजाइल है, इन सच केस इक्विटी मार्केट्स विल आल्सो फॉलो द सेम. सो वहां पे हमें ज्यादा कुछ मींस बूम का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए. सो बिहाइंड द सीन का मतलब यही है कि पहला वाला रीजन खुशी के साथ रेट कट एंड दूसरा वाला रीजन दुख के साथ रेट कट. क्या ये दुख के साथ रेट कट है? आप भी सही. अभी आते हैं हमारा डॉलर रुपी जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका एट 783.77. अभी यहाँ पे surprisingly हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, क्या था, 83.50 से 83.70. जब ये 70 के आसपास आता था डंडा राम नीचे, अगेन 83.20 30.40 आ जाता था फिर ऊपर. लेकिन अभी पिछले 3 हफ्ते में क्या हो रहा है, ये 15 जुलाई वाला वीक, देन 22 जुलाई वाला वीक एंड ये लेटेस्ट वीक का जो क्लोजिंग है, ऑल आइदर अबव 70 और नियर 70. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे काफी आउटफ्लो, काफी प्रेशर है रूपी पे एंड जो इंटरवेंशन है, जो पकड़ के रखने का जो एक टेंडेंसी है वो जस्ट उसको पकड़ रहा है, डंडे के साथ नीचे नहीं आ रहा है. अभी क्या, आइदर द इनविजिबल हैंड्स इज वेटिंग फॉर एन गुड अपॉर्चुनिटी, जब कुछ गुड न्यूज के कारण रुपी अप्रिशिएट करना चालू करेगा तब अपने डंडे से वो इधर नेचुरल वे पे भी अप्रिशिएट होगा और अपना डंडा भी लगाएगा, जिसके कारण डॉलर रुपी अगेन 83.20-83.30 की तरफ आ सकता है. लेकिन अगर कोई खुशी का मौका नहीं है, खुशी का मौका बोले तो कोई ह्यूज इनफ्लोज आर नॉट हिटिंग द मार्केट, इन सच अ केस दे विल मींस ट्राई टू प्रोटेक्ट, अभी भी प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहा है. लेकिन जब उनको दो मौका एक साथ में मिल जाएगा, एक सर्टेन ह्यूज इन्फ्लोज हिटिंग द मार्केट और सम गुड न्यूज हिटिंग द मार्केट, अलोंग विद दैट डंडा करेंगे एंड रुपी को अप्रिशिएट करेंगे. एज ऑफ नाउ ऐसा कोई खुशी का मौका नहीं है, रेदर काफी आउटफ्लोस है, इसलिए रुपी में बहुत प्रेशर है. अभी देखने वाला चीज है ये इनविजिबल हैंड्स क्या इस लेवल को कैसे हैंडल करते हैं. मींस इसका मतलब ये नहीं कि दे कांट हैंडल, दे कैन हैंडल, दे आर इक्वली इक्विप्ड, मींस इक्वली स्ट्रांग एनफ टू डिफेंड ए लेवल. लेकिन उन लोगों का क्या इंटेंशन है, क्या ये डिफेंड करना चाहते हैं या नहीं, दैट इज द इंटेंशन. वही हम प्राइस सेक्शंस में देखने का प्रयास करेंगे. सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा. इफ सो लाइक एंड शेयर. थैंक यू एंड बाय.
क्रिप्टोकरेंसी वीकली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है आपका 4th अगस्त 2024। लास्ट वीक में करेंसी पेयर्स में कैसे कैसे